हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। एसएससी एमटीएस के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, इन सभी एस्पिरेंट्स के लिए ये जो डेटा है आपके सामने है, शिफ्ट वाइज डेटा आपके सामने मैं लेकर आया हूं। और ये डेटा रैंक आईक्यू की तरफ से है, तो ऑथेंटिसिटी आपको इस चीज़ से मिल जाएगी। लगभग 1 लाख लोगों का यहाँ पर ये डेटा है, जिसमें कि आपको एवरेज मार्क्स बताए गए हैं हर एक शिफ्ट के, जिसमें कि आपको टफेस्ट शिफ्ट भी पता लग जाएगी और सबसे ईजी जो शिफ्ट थी वो भी पता लग जाएगी। नॉर्मलाइजेशन कितना मिल जाएगा और किस किस को मिलेगा वो भी आपको यहाँ पर मैं बता दूंगा। और लगभग 3 से 3,500 लोगों का डेटा मैंने गूगल फॉर्म फिल करवाया था, उसके माध्यम से मुझे यहाँ पर मिला है। आप यहाँ पर सीरियल नंबर देख सकते हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स ने इस फॉर्म को फिल किया है, मुझे ऐसी उम्मीद भी नहीं थी। तो सभी लोगों ने अपना डेटा यहाँ पर फिल किया है, कितने नंबर किसके आए हैं। मैंने यहाँ पर आपसे जो पूछा है वो यहाँ पर पूछा है, मैंने आपका नाम पूछा है, एग्जाम की डेट पूछी है और आपकी कैटेगरी पूछी है और आपके टोटल मार्क्स कितने बने हैं वो मैंने आपसे यहाँ पर पूछे हैं आउट ऑफ 150। आपको यहाँ पर ये भी बता दूंगा कि आपकी सेशन 1 की कट ऑफ बन सकती है, अगर बनेगी तो कितनी जाएगी और नहीं बनेगी तो आप लोगों को कितना यहाँ पर नुकसान हो सकता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपकी सेशन 1 की कट ऑफ बनती है तो आपकी जो कट ऑफ है वो डेफिनेटली कम जाएगी, ठीक है। इस चीज़ को प्रूफ मैं अभी कर दूंगा, वो चीज़ आपको मैं अभी यहाँ पर दिखा दूंगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए सबसे पहले। अब आ जाइए इस वाले डेटा के ऊपर, जिसमें कि रैंक आईक्यू डेटा है। मैं अपना भी डेटा आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो ईजी शिफ्ट गई थी वो गई थी आपकी 16/5/2023 की, जो कि आपकी 12 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में ये हुई थी। तो आपकी शिफ्ट कौन सी है आप यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कितना एवरेज जो मार्क्स हैं वो आपकी शिफ्ट के रहे हैं। सबसे टफेस्ट शिफ्ट अगर हम बात करते हैं, 15/5/2023 की ही आपकी शिफ्ट थी, जो कि थी आपकी 3:30 से 5 बजे वाली, जिसमें कि आपका 56.77 स्कोर जो है एवरेज बन रहा है। यहाँ पर आप देखिए 92 सबसे हाईएस्ट स्कोर है और सबसे लोएस्ट स्कोर आपका है 56.77। अब आपको नॉर्मलाइजेशन का कैसे फायदा मिलेगा वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन एससी इस तरह से करता है कि जो आपका सबसे ज़्यादा स्कोर बन रहा होता है इसके इक्विवेलेंट लेकर आना होता है, सभी शिफ्टों का जो मार्क्स होता है उसको इस शिफ्ट के इक्विवेलेंट करना होता है, ठीक है। तो अगर हम सीधा सीधा यहाँ से कंपेयर करते हैं ना, इस वाली शिफ्ट से और इस वाली शिफ्ट से, तो लगभग 36 से 37 नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है इंक्रीमेंट आपको यहाँ पर मिल सकता है। आप अपनी शिफ्ट चेक कर लीजिए। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं कि दूसरी जो शिफ्ट है, जिसमें कि 89 आपका स्कोर गया ये 18/5/2023 की। आगे यहाँ पर 8/5 यानी 8 मई की शिफ्ट आपके यहाँ पर 86 नंबर गया है। 17 मई की जो शिफ्ट है उसमें 84 नंबर गया है। 3 मई की शिफ्ट है उसमें 83 गया है और 2 मई की शिफ्ट में 82 गया है। 15 मई की शिफ्ट में 80 गया है। 15 मई की दूसरी शिफ्ट में यहाँ पर 79 गया है। 79 आपका 4 मई की शिफ्ट में भी गया है ये। और उसके बाद 13 जून की जो शिफ्ट थी ना वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 77 गया था इसके अंदर। और इसके बाद अगर हम जून की बात करते हैं तो 19 जून की शिफ्ट जो है ये आप देख सकते हैं 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, इसमें 73 स्कोर गया है। तो जितनी भी शिफ्ट आप यहां पर देख रहे हैं, सभी शिफ्टों को अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, ये जो डेटा है लगभग 1 लाख लोगों का डेटा यहां पर बताया जा रहा है और रैंक आईक्यू को इसका क्रेडिट भी जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसके इक्विवेलेंट करना पड़ेगा। ये डेटा जो है वेरी कर जाएगा, यानी कि बढ़ भी जाएगा, क्योंकि जब भी आप अभी बहुत सारे लोगों का डेटा नहीं आया है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने गूगल फॉर्म फिल ही नहीं किया है या अपनी रैंक आईक्यू पर जाकर चेक ही नहीं किया है, तो उनका डेटा तो हमें पता ही नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन ये जो भी रैंक चेक करते हैं वो कैंडिडेट होते हैं जो इनको विश्वास होता है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है या सीरियस एस्पिरेंट होते हैं वो, तो ठीक है। ऑथेंटिक जो डेटा होता है वो इन्हीं लोगों का होता है जो भी गूगल फॉर्म को फिल करते हैं या फिर जो भी इन चीज़ों को रैंक आईक्यू पर जाकर अपनी रैंक वगैरह चेक करते हैं, नंबर अपना जो है डालते हैं, तो ये डेटा बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा होता है, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली जो शिफ्ट है ना, इसमें कि 89 नंबर है, ये 92 नंबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा और सबसे मैक्सिमम जो नॉर्मलाइजेशन है वो यहाँ पर आपको 36 नंबर का यहाँ पर मिल रहा है। तो 36 से लेकर 3 से 4 नंबर या 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। अपनी शिफ्ट के हिसाब से आप यहाँ पर एवरेज इसको चेक कर सकते हैं, डेटा आपके सामने। बाकी ये वाला जो डेटा है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर भी शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन आपको पता लग गया होगा किस हिसाब से किया जाता है, वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कट ऑफ आपकी कितनी जा सकती है। कट ऑफ को देखने से पहले आप एक बार ये वाली चीज़ चेक कर लीजिए, जिसमें कि मैंने यहाँ पर टॉपर्स के स्कोर को लिखा हुआ है, जो कि मेरे पास डेटा आया है 3 से 3,500 लोगों का जो डेटा आया ना उसके हिसाब से यहाँ पर ये जो है मैंने लिखा हुआ है। 140 प्लस जो स्कोर कर रहे हैं 25 कैंडिडेट हैं ऐसे, 130 प्लस जो स्कोर कर रहे हैं वो 75 कैंडिडेट हैं और 120 जो स्कोर कर रहे हैं वो 300 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इतना स्कोर कर रहे हैं। कितना सही कितना गलत है वो तो आपकी ईमानदारी पर ही डिपेंड करता है। आपने गलत डेटा भरा होगा तो आपको यहाँ पर चीज़ें जो है थोड़ी सी चेंज होकर मिल सकती हैं। अब सीधा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कट ऑफ की, जो कि ये कट ऑफ मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। अगर आपका सेशन जो आपका सेशन 1 है
ठीक है, सेशन वन का अगर जो कट ऑफ है वो नहीं लगाया जा सकता है, अगर उसका कट ऑफ नहीं लगाया गया मतलब वो क्वालिफाइंग नेचर का ही रहा, तो रीजनिंग और मैथ ऐसा कोई भी कैंडिडेट नहीं होता इसका अच्छा नहीं होता या जो पूरा का पूरा नहीं करके आएगा। 12 सवाल करना नॉट ऑफ बिग डील यार, हर कोई कर लेता है, ठीक है। तो यूआर की कट ऑफ जो 123 प्लस जा सकती है, AEWS की कट ऑफ 120 प्लस जा सकती है, और OBC कट ऑफ 118 या उससे ऊपर जा सकती है, SC कट ऑफ यहाँ पर 110 या 110 से ऊपर भी जा सकती है, ST की कट ऑफ 100 जा सकती है। अगर सेशन वन का आपका यहाँ पर कट ऑफ लगाया गया तो ये कट ऑफ डेफिनेटली कम हो जाएगी, मतलब इस कट ऑफ को मैं यहाँ पर अभी लिख के भी बता देता हूँ आपको, ये 123 मैंने जो लिखा हुआ है ना ये 110 के आसपास रह जाएगी, इस कट ऑफ को मैंने 120 लिखा है ये लगभग 100 के आसपास रह जाएगी, OBC कट ऑफ भी लगभग EWS के आसपास ही रहती है, तो मैं इसको भी 100 ही मान लेता हूँ, ठीक है। ये कट ऑफ डेफिनेटली आपकी जो है लगभग 99 तक पहुँच सकती है, ठीक है, ये वाली कट ऑफ जो है आपकी 97 या 95 भी रह सकती है। तो ये कट ऑफ तब जाएगी जब आपका सेशन वन के अंदर भी आपको कट ऑफ के माध्यम से क्वालिफाई कराया जाएगा, तब ये कट ऑफ जाने की संभावना है, ठीक है भाई। तो कमेंट करने से पहले आप लोग एक चीज ये समझ लेना कि पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है सेशन वन की कट ऑफ इस बार लगाई जाए। तो सेशन वन की कट ऑफ अगर आप लोगों को जाननी है तो आपको सेशन वन के अपने स्कोर को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, जितने लोग मेंशन करेंगे मैं उसके हिसाब से सिर्फ आपको सेशन वन की कट ऑफ को बताने की कोशिश करूंगा अगली वीडियो के अंदर। लेकिन जिन लोगों के नंबर कम आए हैं उनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है इस बार भी, क्योंकि 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है, भले ही वैकेंसी कम है लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आप सभी लोगों के पास अपॉर्चुनिटी फिर से आ चुकी है MTS के लिए, ठीक है। तो आप लोग तैयारी उसकी कर सकते हैं, और तैयारी करने के लिए आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं, अभी से स्टार्ट कर दीजिए अपनी फुल तैयारी, ठीक है। आपको पैटर्न पता लग गया, आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी मिल गया, आपने सारी चीजें चेक कर लेंगे किस लेवल का पेपर आपसे पूछा जा रहा है MTS के अंदर। आज हम बात करते हैं SC MTS की बेस्ट बुक के बारे में जो कि आती है चक्षु प्रकाशन की ओर से। MTS 2023 के जितने भी एस्पिरेंट हैं उनके लिए स्टडी गाइड ये कंप्लीट है, जिसके अंदर आपको 3 सॉल्व पेपर मिलते हैं, 2022 का भी इंक्लूड है इसके अंदर, दो 2150 प्लस MCQs मिलते हैं। बुक के अंदर आपको चारों सब्जेक्ट मिल जाएंगे, मैथ, रीजनिंग, GS और इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और इसमें आपको चैप्टर वाइज सारे के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन दिए गए हैं। आगे आप यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो आपको जो सॉल्यूशन यहाँ पर दिया गया है काफी डिटेल में भी दिया गया है, और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी आपको यहाँ पर समझाया गया है। कंप्लीट स्टडी गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है, और इन दोनों को परचेज करके आप अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकते हैं, आपको डेफिनेटली फायदा देखने के लिए मिल जाएगा। नजदीकी स्टोर पर भी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, लिंक तो आपको दे दिया गया है। आई होप आपको सारी की सारी चीजें जो है समझ में आ गई होंगी, आपका कितना स्कोर बन रहा है सेशन वन के अंदर उस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपका कौन सी शिफ्ट में पेपर हुआ था और आपको नॉर्मलाइजेशन के कितने मार्क्स मिल रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन कैसे कैलकुलेट करना है वो चीज मैंने आपको बता दी है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जो है एक्सपेक्टेड है, इस चीज को बिल्कुल रियल मान के मत बैठ जाना, ठीक है। डेटा ऊपर नीचे होता रहता है क्योंकि वैकेंसीज इस बार की आपको पता है 12,523 वैकेंसीज हैं, तो डेफिनेटली आपकी जो कट ऑफ पर इंपैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है ना। और आपको एक चीज बता दूं कि हमेशा ही ऐसा नहीं होता है कि वैकेंसीज आपकी, जैसे मान लीजिए अभी आपकी CGL के अंदर अगर बात करते हो तो CGL के अंदर आपकी कितनी वैकेंसी थी, 37,409 वैकेंसी आई थी, 36,001 वैकेंसी रह गई थी, ठीक है। तो उसका कंपैरिजन CGL 2023 से नहीं किया जा सकता, सिमिलरली MTS 2021 का कंपैरिजन MTS 2022 से नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2021 के अंदर वैकेंसी बहुत कम थी, 2022 के अंदर वैकेंसी बहुत ज्यादा है। अब 2023 से भी आप इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर वैकेंसी और कम दे रखी हैं आपको, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा। कभी भी प्रीवियस ईयर का आप तब कंपैरिजन कर सकते हो जब नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी आसपास रही हो, नंबर ऑफ एप्लीकेंट आपके आसपास रहे हो, ठीक है। और वो आपका पेपर के लेवल पर भी बात करता है, कितने आपका फेजेस में पेपर हुआ है, कितने शिफ्ट में पेपर हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन तो जाहिर सी बात है भाई होना ही होना है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पॉइंट अपना दिमाग में रखना है, उसके हिसाब से तैयारी करनी है। बाकी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से जो बुक लॉन्च की गई है इसको आप परचेज कर लीजिए अभी, क्योंकि यहाँ पर आपको रिलीवेंट डेटा दिया गया है हर चीज का, तो आप लोगों को जो है आगे जितने भी एग्जाम आपका MTS का आ रहा है 2023 का, इसमें आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।